फ्रेंड्स वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस टुडेस टॉपिक इज कोर्स डिसपर्सन इमल्शन पार्ट 4 लेट्स स्टार्ट इन दिस वी डिस्कस इमल्शन फॉर्मेशन बाय एचएलबी मेथड अब उससे पहले अपन बात करेंगे कि एचएलबी मेथड क्या है तो ग्रिफिन ने 1954 एक हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस क्रिएट किया था जिसको उसने दो भाग में डिवाइड कर दिया कि उसके अंदर उसने जीरो से ट्वेंटी तक का मान रखा और उसने ये कहा कि अगर उसकी वैल्यूज एच एल बी की कम है तो वो लिपोफिलिक लिपोफिलिकटर का सरफेस एक्टिव एजेंट होगा और अगर उसकी वैल्यूज ज़्यादा हैं तो वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ का सरफेस एक्टिव एजेंट होगा अब किसी भी सब्सटेंस का इमेंसीफाइंग एजेंट होने के लिए ज़रूरी है चाहे वो मॉलिक्यूल हो आयन हो कॉलर्ड हो या पार्टिकल हो कि उसकी जो एफिनिटी है इंटरफेस पे ऑयल और वाटर के या फिर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अच्छी हो ताकि वो सरफेस टेंशन को कम कर सके तो यहाँ पे अगर मोनोलेयर्स की बात करें तो यहाँ पे अपन सारा का सारा जो इमल्सीफाइंग एजेंट है उसका रिलेशन सरफेस एक्टिव एजेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यानी कि जो भी इमल्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन जो भी इमल्सीफाइंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स टाइप होंगे अब यहाँ पे वो ग्रिफिन ने ये बताया कि भाई आप कोई भी इमोशन बना रहे हो तो वहाँ पे आपको सरफेस एक्टिव एजेंट्स कौन से यूज़ करने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी इमोशन की स्टेबिलिटी के लिए जैसे कि अगर आप सपोज ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमोशन बना रहे हो तो यहाँ पे वाटर कंटिन्यूस फेज में है तो आपको वही सर्फेस एक्टिव एजेंट डालने होंगे जो कि वाटर के अंदर ज़्यादा मिसेबल या सॉलिड सोल्यूबल हैं ताकि जो सर्फेस टेंशन है वो अच्छे से रिड्यूस हो सके वही अगर आप वॉटर ऑयल टाइप ऑफ इमशन बना रहे हो तब आपको लिपोफिलिक टाइप ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट यानी कि जिसकी एच वैल्यू कम है उस तरीके के सरफेस एक्टिव एजेंट्स को ऐड करना होगा एग्जाम्पल की बात करें तो एक्जाम्पल है ट्विन एंड स्पान ट्विन इज हाइड्रोफिलिक टाइप ऑफ सर्फेस एक्टिव एजेंट एंड स्पान इज लिपोफिलिक टाइप ऑफ सर्फेस एक्टिव एजेंट अब इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं अकॉर्डिंग टू इस मॉलिकुलर वेट ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी तो ट्विन की ओवरऑल अगर अपन रेंज बात करें तो नाइन पॉइंट सिक्स से सिक्सटीन पॉइंट सेवन है वाइल स्पान की बात करें तो इट इज़ लिपोफिलिक तो इसकी जो एच एल पी वैल्यू है वो कम से स्टार्ट होगी लाइक like वन पॉइंट एट टू एट पॉइंट सिक्स यहाँ अगर अपन स्केल देखें तो जैसे जैसे स्केल नीचे की तरफ है तो वहाँ पे सारी ऑयल प्रॉपर्टी के एजेंट्स यूज आ रहे हैं जैसे मोस्ट एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स फिर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट फिर वेटिंग एजेंट फिर जैसे जैसे एच एल पी वैल्यू बढ़ी वहाँ पर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट डिटर्जेंट एंड एजेंट बात करें अगर अपन रिलेशनशिप्स की तो जैसे जीरो से तीन को एंटीफॉर्मिंग डिक्लेयर किया है चार से छ को वाटर इन ऑयली मल्सीफायर सात से नौ वेटिंग एजेंट आठ से अठारह ऑयल इन वाटर सत्रह से पंद्रह डिटर्जेंट एंड दस से सोलह या फिर सोलह से अठारह इस सॉली एजेंट्स अगर आपको कोई भी एजेंट दे दिया जाए और उसे ये कह दिया जाए कि उसकी एच वैल्यू आपको निकालनी है तो आप उसकी एच वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी चार मेथड हैं सबसे पहला मेथड ये है कि आपको जो भी केमिकल दिया है उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके हाइड्रोफिलिक ग्रुप में से उसके लिपोफिलिक ग्रुप्स का समीश्र माइनस करके उसमें सेवन ऐड कर दो अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम ल्लोराइड सल्फेट ये इसका केमिकल फॉर्मूला है उसके अगर अपन बात की मान मान की बात करें तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स माइनस लिपोफिलिक ग्रुप प्लस सेवन इसका मान अगर अपन कैलकुलेट करें तो फोर्टी आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये वैल्यूज भी दी जाएंगी सेकेंड है मोलिकुलर वेट मैथड मॉलिकुलर वेट मैथड के अंदर यह है कि ई प्लस पी अपन फाइव ई क्या है परसेंट वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड पी है परसेंट वेट ऑफ ग्लेस्ट्रोल यानी कि जो परसेंट वेज है इथाइलिन और ग्लेस्ट्रोल का उसको निकाल के उसको फाइव से डिवाइड कर दो एग्जाम्पल की बात करें तो ऑलिट ट्वेंटी ई है यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड ट्वेंटी इसकी चेंस हैं तो ट्वेंटी इंटू फोर्टी फोर एट एट जीरो और पी मिसल्ड की जो परसेंट वेट थी वो परसेंट वेट निकालने के लिए सिंगल अपॉन टोटल इंटू हंड्रेड कर दिया फिर उसको जैसे आपने फाइव से डिवाइड किया आपके पास मान आ गया फिफ्टीन पॉइंट थर्टी सी की बात करें अगर आपका कोई सरफेस एक्टिव एजेंट ऐसा है जिसके अंदर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर आपको उसकी एच एल बी वैल्यू निकालने के लिए उसके सेपोनिफिकेशन एंड एसड वैल्यूज निकालना जरूरी है यहाँ पे फॉर्मूला है ट्वेंटी वन माइनस एस अपॉन ए एस इज सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एज एसिड वैल्यू एग्जाम्पल की बात करें तो पॉली ऑक्सीथाइलिन सॉबिटेन मोनोस्टिट फोर्टीन पॉइंट फाइव एंड एसिड वैल्यू है वन नाइनटी जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास एच एल बी वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन डी मेथड के अंदर यह है कि भाई ग्रिफिन मैथामेटिकल मैथड ग्रिफिन ने एक मैथामेटिकल मैथड दिया जिसके अंदर उसने बोला कि जो मोलिकुलर रेट है हाइड्रोफिलिक का उसे और मोलिकुलर रेट ऑफ होल नंबर को आप डिवाइड कर दो एंड मल्टीप्लाई कर दो बाई ट्वेंटी तो आपके पास उसकी एच एल वी वैल्यू आ जाएगी एग्जाम्पल यहाँ पे है मोनोऑलिक एसिड एस्ट यहाँ मैं स्ट्रक्चर को डिटेल नहीं कर रही क्योंकि ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे एच एल वी वैल्यू आएगी एलेवन पॉइंट एट ये सारी बात तो ये हो गई कि भाई सर्फेस एक्टिव एजेंट हैं तीन तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक बैलेंस उसकी प्रॉपर्टीज की बात हो गई बट अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एक इमोशन बनाना है और वहाँ पर मुझे उसको ऑयल इन वाटर भी बनाना है और वाटर इन ऑयल भी बनाना है तो अब मैं कौन से सर्फेस एक्टिव एजेंट्स लूँगी जिसकी एच वैल्यू क्या होगी तो उसके लिए एक मेथड आया था रिक्वायर्ड एच रिक्वायर्ड एच में ये है कि आप कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हो तो अब उसको आप कंटिन्यूस फेज में बना रहे हो कि डिस्पर्स फेज में बना रहे हो उसके आधार पे भी उसके जो सरफेस एक्टिव एजेंट की एच एल वैल्यूज़ हैं वो चेंज होगी जैसे एग्जांपल की बात करें मिनरल ऑयल है अगर मिनरल ऑयल का आपको ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमोशन बनाना है तो आपको जो एच वैल्यू है सर्फिस एक्टिव एजेंट की वो टेन से ट्वेल्व के बीच में रखनी होगी और अभी वाटर इन ऑयल बनाना है तो फाइव से सिक्स के बीच में रखनी होगी पैराफिन वैक्स के अंदर भी वाटर कंटिन्यूअस फेज में है तो टेन एच वैल्यू वाले एजेंट चाहिए ऑयल कंटिन्यूअस फेज में है तो फोर कंटिन्यूस एच वैल्यू वाले एजेंट्स आपको चाहिए फिर यहाँ पर कुछ एजेंट्स है जिसकी फिक्स एच वैल्यूज आपको बता रखी है कंपटीशन एग्जाम्स में सीधी की सीधी बहुत बार एग्जाम्पल के साथ एच एल वैल्यू पूछली जाती है जैसे कि सोडियम सल्फेट की एच एल वैल्यू क्या है तो सीधा आंसर है इसका फोर्टी नो कैलकुलेशंस जिलेटिन की एच एल क्या है तो नाइन पॉइंट एट ग्लैकोल मोनोड की क्या है फोर पॉइंट सिक्स ऑलिक एसिड की क्या है वन तो ये एक छोटी सी टेबल है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू शायद काम आ जाए होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू